बच्चों, कक्षा 12वीं हिंदी ऐच्छिक अंतरा भाग 1, हम गद्यखंड में पाठ नंबर 6। उसका हमने पहली वीडियो में जो लेखक का जीवन परिचय और शेर कवि जो कहानी थी लघु कथा पढ़ चुके हैं। बच्चों जो आज हम जो कहानी पढ़ेंगे, पहचान पढ़ेंगे, चार हाथ पढ़ेंगे और सांझा पढ़ेंगे। अब चलो पहले हम जो है पहचान कहानी के ऊपर आपको उसकी मैं कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनेंगे। राजा ने हुक्म दिया कि उसके राज में सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे। लोगों ने ऐसा ही किया क्योंकि राजा की आज्ञा का आगे जो मानना जनता के लिए अनिवार्य था। जनता आंखें बंद किए किए सारा काम करती थी और आश्चर्य की बात यह है कि काम पहले की तुलना में बहुत अधिक और अच्छा हो रहा था। फिर हुक्म निकाला कि लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें क्योंकि सुनना जीवित रहने के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लोगों ने ऐसा ही किया और उत्पादन आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ गया। फिर हुक्म यह निकला कि लोग अपने अपने होठ सिलवा लें क्योंकि बोलना उत्पादन में सदा में से बाधक रहा है। लोगों ने काफ़ी सस्ती दरों पर होठ सिलवा लिए और फिर उन्हें पता लगा कि अब वे खा भी नहीं सकते हैं, लेकिन खाना भी काम करने के लिए बहुत आवश्यक नहीं माना गया है। फिर उन्हें कई तरह की चीज़ें कटवाने और जड़वाने के हुक्म मिलते रहे और वे वैसा ही करते रहे और रात जो है रात दिन प्रगति करता रहा। ठीक है ना। फिर एक दिन क्या हुआ, खैराती रामू सिंधु ने सोचा कि लाओ आंखें खोलकर तो देखें, अब तक अपना जो राज है स्वर्ग बन गया होगा। अब तीनों ने आंखें खोली तो उनको सामने है राजा ही दिखाई दिया, पे एक दूसरे को देख ना सके। देखिए इस कहानी के हमें क्या संदेश छुपा हुआ है। राजा द्वारा जो दिए गए हुक्म थे, राजा ने अपने राज्य में उत्पादन बढ़ाने के लिए खैराती रामू छिंदू आदि आम जनता को यह आज्ञा दी कि अपनी आंखें बंद करके काम करें, अपने अपने कानों में पिघला शीशा डलवा लें, अपने होठ सिलवा लें क्योंकि बोलना उत्पादन में सदा बाधक रहा है। फिर उन्हें कई तरह की चीज़ें कटवाने और जुड़वाने का भी हुक्म दिया। इससे राजा आश्चर्यजनक रूप से प्रतिदिन प्रगति करता रहा। दूसरा, राजा की निरंकुशता का परिणाम क्या हुआ। इस कहानी में शासन तंत्र की निरंकुशता और लालच को दर्शाया गया है। यदि जनता राज्य की स्थिति को अनदेखा करती है तो शासक वर्ग जो है निरंकुश हो जाता है और प्रगति के नाम पर समस्त साधनों को हड़प कर अपना भला और करता है। ऐसे शासनकर्ता को जो है बाहरी गूंगी और अंधी जनता पसंद आती है जो केवल इनकी आज्ञा का पालन करें। खैराती राम और जो रामू सिंधु ऐसी ही जनता के प्रतीक है जो आंख मूंद कर अपने राजा पर विश्वास करती है, पर जब तक वह अपनी आंखें खोलती है तब तक राजा अत्यधिक बलशाली हो चुका था, उसका विरोध करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। अब बच्चों अगली जो कहानी है वो चार हाथ है। चार हाथ भी क्या है, एक मिल मालिक के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आया करते थे जैसे सारा संसार मिल हो जाएगा, सारे लोग मजदूर और वह उसका मालिक, या मिल में उसे चीजों की तरह आदमी भी बनने लगेंगे, तब मजदूरी भी नहीं देनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मजदूरों के हाथ जो चार हाथ हो तो काम कितनी तेजी से हो और मुनाफा कितना ज़्यादा, लेकिन यह काम करेगा कौन। उसने सोचा विज्ञानी करेंगे, यह है किस मर्ज की दुआ। उसने यह काम करने के लिए बड़े वैज्ञानिकों को मोटी तनख्वाहों पर नौकर रखा और वे नौकर हो गए। कई साल तक शोध और प्रयोग करने के बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा असंभव है कि आदमी के चार हाथ हो जाएं। मिल मालिक वैज्ञानिकों से नाराज हो गया, उसने उन्हें नौकरी से निकाल दिया और अपने आप इस काम को पूरा करने के लिए जुट गया। उसने कटे हुए हाथ मंगवाए और अपने मजदूरों के फिट करने करवाने चाहे पर ऐसा नहीं हो सका। फिर उसने मजदूरों के लकड़ी के हाथ लगवाने चाहे पर उनसे काम नहीं हो सका। फिर उसने लोहे के हाथ फिट करवा दिए पर मजदूर मर गए। आखिर एक दिन बात उसकी समझ में आ गई कि उसने मजदूरी आधी कर दी और दोगुने मजदूर जो है काम पर रख लिया। अब यह देखिए इस कहानी में क्या है जो हमें सीख है, चार जो हाथ जो है पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है।
मिल मालिकों का लालच मजदूरों के शोषण का कारण बनता है। जो मिल मालिक मजदूरों को मात्र एक कलपुर्जे के रूप में लेता है, जो उसको लाभ देंगे वह हर संभव प्रयास करता है कि उन मजदूरों का अस्तित्व समाप्त हो जाए और वह विरोध की स्थिति में ना रहे, ताकि उसके इशारे पर चलते हुए वह दुगुना काम कर सके। अब देखिए, अधिक उत्पादन के चक्कर में वह मजदूरों के लोहे के हाथ लगवाता है, जिसे सारे मजदूर मर जाते हैं। अंत में उसे समझ में आ जाता है कि यदि अधिक उत्पादन और मुनाफा चाहिए तो मजदूरी आधी कर दो और दुगने मजदूर रख लो। और अगली कहानी जो है बच्चों, यह है सांझा। ये सांझा कहानी क्या है, हालांकि उसे खेती की हर बारीकी के बारे में मालूम था, लेकिन फिर भी डरा दिए जाने के कारण वह अकेला खेती करने का साहस ना जुटा पाता। अब क्या है, उससे पहले वह शेर, चीते और मगरमच्छ के साथ सांझे की खेती कर चुका है। अब उसे हाथी ने कहा कि अब वह उसके साथ सांझे की खेती करे। किसान ने उसको बताया कि सांझे में उसका कभी गुजारा नहीं होता और अकेले वह खेती कर नहीं सकता है, इसलिए वह खेती करेगा ही नहीं। हाथी ने उसे बहुत देर तक पट्टी पढ़ाई और यह भी कहा कि उसके साथ सांझे में खेती करने से यह लाभ होगा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और खेती की अच्छी रखवाली हो जाएगी। तो क्या है, किसान किसी न किसी तरह तैयार हो गया और उसने हाथी से मिलकर गन्ना बोया। हाथी पूरे जंगल में घूमकर डुगडुगी पीट आया कि गन्ने में उसका सांझा है, इसलिए कोई जानवर खेत को नुकसान ना पहुंचाए, नहीं तो अच्छा ना होगा। किसान फसल की सेवा करता रहा और समय पर जब गन्ना तैयार हो गया, वह हाथी को खेत पर बुला लाया। वो किसान चाहता है कि फसल आधी आधी बांट ली जाए। जब उसने हाथी से यह बात कही तो हाथी काफ़ी बिगड़ा। ठीक है, हाथी ने कहा, अपने और पराए की बात मत करो, ये छोटी बात है। हम दोनों ने मिलकर मेहनत की है और हम दोनों ही इसके मालिक हैं। आओ हम मिलकर गन्ने खाएं। किसान के कुछ कहने से पहले ही जो है हाथी ने बढ़कर अपनी सूंड से एक गन्ना तोड़ लिया और आदमी ने कहा, आओ खाएं। आदमी से क्या है, उन्होंने आजा खाते हैं। गन्ने का एक छोर हाथी की सूंड में था और दूसरा आदमी के मुंह में। गन्ने के साथ साथ आदमी हाथी की मुंह की तरफ खींचने लगा तो उसने गन्ना छोड़ दिया। हाथी ने कहा, देखो हमने ये गन्ना खा लिया। इसी तरह हाथी और आदमी के बीच में सांझे की खेती बट गई। अब देखिए, सांझे से क्या हमें मिला है। सांझे में आज़ादी के बाद किसानों की बदहाली का वर्णन किया गया है। पूंजीपतियों व गांव के प्रभुत्वशाली वर्ग की नज़र किसानों की खेती और उत्पाद पर है। वह हर संभव प्रयास द्वारा उसे हासिल करना चाहता है। हाथी जो है समाज के अमीर और प्रभुत्वशाली वर्ग का प्रतीक है, जो किसानों की सारी मेहनत और कमाई धोखे से हड़प लेता है और किसानों का पता भी नहीं चलता है। किसान सक्षम होते हुए भी लाचार हो जाता है। बच्चों, प्रश्न है, प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। कहानी के द्वार पर जो है टिप्पणी करो। ये पहले जो कहानी थी शेर, उस कहानी के उधार पर प्रश्न है। लघु कथा शेर से ली गई इस इन पंक्तियों में लेखक ने भोली भाली जनता और धूर्त सत्ता के बारे में बताया है। लेखक यह मानने को तैयार नहीं है कि शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है, किंतु उसे बार बार यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया जाता है कि शेर का मुंह ही सब दुखों का अंत है। शेर का मुंह हिंसा का प्रतीक है। प्रश्न दो है, शेर कहानी के आधार पर हमारी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। अब उत्तर देखिए बच्चों, शेर नामक लघु कथा में शेर हमारी सत्ता और व्यवस्था का और लेखक आम आदमी का प्रतीक है। लेखक कहना चाहता है कि सत्ता तभी तक खामोश रहती है जब तक सब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, विरोध करते ही वह खूंखार हो जाती है। ऊपर से देखने पर शेर अहिंसावादी, न्यायप्रिय तथा बुद्ध का अवतार प्रतीत होता है, लेकिन जैसे ही लेखक उसके मुंह में प्रवेश ना करने का संकल्प करता है तो शेर की वास्तविकता अपने आप सामने प्रकट हो जाती है। धन्यवाद बच्चों।